बड़ी खबर दमोह से, जहां गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए। गंगा जमुना स्कूल की एफआईआर में धर्मांतरण की धारा बढ़ाई गई है। मध्य प्रदेश में धर्म स्वतंत्र अधिनियम की धारा लगाई गई है, एसपी ने इसका खुलासा किया है। तो बड़ी खबर है ये, गंगा जमुना स्कूल के प्रिंसिपल समेत 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। स्कूल की एफआईआर पर धर्मांतरण की धारा बढ़ाई गई है, एसपी ने इस पूरे मामले का खुलासा किया। चुनावी साल में पीसीसी सचिव कमलनाथ लगातार बैठकों और सम्मेलन के जरिए कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे हैं, और इसी कड़ी में कमलनाथ और सांसद नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा के जुन्नारदेव में पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया और आगामी चुनाव के लिए एकजुटता का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आपकी एकता ही कांग्रेस की ताकत है। कांग्रेस के इतिहास के प्रति जो आपकी निष्ठा है वो आपको खींच के लाएगी, और ये निष्ठा की सबसे बड़ी परीक्षा अगले 5 महीनों में। बीजेपी हर बात पे झूठ, हर बात पे झूठा प्रचार, हम अपनी उपलब्धियां जनता के बीच में नहीं रख पा रहे। छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री एवं विधायक ननकीराम कंवर ने कहा कि इस बार छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार नहीं बनी तो वे राजनीति से संन्यास ले लेंगे। पत्थलगांव दौरे पर पहुंचे ननकीराम कंवर ने कहा कि अपनी इतनी लंबी राजनीतिक पारी में उन्होंने ऐसा भ्रष्टाचार पहले कभी नहीं देखा। कांग्रेस सरकार को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी समेत हर वर्ग के लोग सरकार के कामकाज से परेशान है। देखिए, इतना भ्रष्टाचार, इतना करप्शन होने के बाद सरकार इनको नहीं बदली तो मैं समझता हूँ क्या बोलते हैं, हम जैसे को राजनीति करने का कोई मतलब नहीं। मैंने तो संन्यास लेने की शपथ ले लिया कि अगर सरकार नहीं बनी भारतीय जनता पार्टी की तो मैं राजनीति छोड़ूंगा। संपर्क से समर्थन कार्यक्रम के तहत बीजेपी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और सांसद सुनील सोनी ने शहर के ख्याति प्राप्त लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की। इस दौरान ओम माथुर पद्मश्री सम्मानित सूफी गायक मदन चौहान, प्रदेश के सुप्रसिद्ध डॉक्टर देवेंद्र नायक और शिक्षाविद आचार्य सुरेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात की। तो ऐसे सब वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का अनुभव साझा करना, उनके साथ सामूहिक रूप से भोजन करना, ये पार्टी ने तय किया है। ज्यादातर लोगों ने अपने अनुभव साझा किए। जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की, क्षेत्र का विकास नहीं कर पाया, मगर हमारी सरकार ने लगातार बस्तर हो, सरगुजा हो, मध्य हो, मैदानी क्षेत्रों, सभी क्षेत्रों का विशेष ध्यान दिया है। तो हमें लगता है हम अपनी सरकार की उपलब्धियों और कार्यकर्ता के मेहनत के दम पे हम 2023 का चुनाव जीतने में सफल होंगे। पटना से खबर, जदयू अध्यक्ष ललन सिंह का ऐलान, नीतीश कुमार नहीं होंगे पीएम पद के उम्मीदवार। नीतीश ने बीजेपी मुक्त देश बनाने का संकल्प लिया। 23 जून को विपक्षी दलों की बैठक होगी पटना में, 18 विपक्षी दल इसमें शामिल होंगे। चुनाव जीतने के बाद पीएम उम्मीदवार तय होगा। नीतीश कुमार जी देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं। नीतीश कुमार जी भाजपा मुक्त देश के निर्माण के लिए आगे बढ़े हैं और विपक्षी एकता को एक करने में लगे। दमोह में रविवार को एक बार फिर राज्य बाल आयोग की टीम ने ईसाई मिशनरी के बाल गृह आधारशिला संस्थान पर छापामार कार्रवाई की। दरअसल बाल आयोग के मिशनरी अजय लाल के बाल गृह में पदस्थ टीचर ने कि नाबालिग बच्ची के साथ अश्लील चैटिंग और यौन शोषण की शिकायत मिली थी, जिसके बाद आयोग ने मौके का निरीक्षण कर वहां मौजूद बच्चियों से चर्चा की। यहां एक टीचर है, वो उसके साथ में अश्लील चैट करता है, अश्लील बातें करता है। छात्रावास की उनके पास अनुमति नहीं है, वो आवासीय विद्यालय मानते हैं, स्कूल के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर है तो निरीक्षण में जो भी बीआरसी आता है, शिक्षा विभाग से आता है, उसको उल्लेख करना चाहिए।
भिलाई के सुपेला इलाके में 3 दिन पहले हुए हत्या का खुलासा करते हुए पुलिस ने मृतक की पत्नी को ही गिरफ्तार किया। उसने अपने पति की हत्या दुपट्टे से गला घोट कर की, फिर दुपट्टे को जलाते हुए असामान्य हरकतें करने लगी। पुलिस के मुताबिक संगीता सोनी नाम की इस महिला ने दिलीप सोनी नाम के अपने पति की हत्या कर दी। भजन चौक कृष्णानगर में दिलीप सोनी के मकान पे कोई घटना हुई है कि सूचना पर पुलिस टीम सुपेला की रवाना हुई थी। रवाना कर देखिए तो वहाँ जहाँ दिलीप सोनी नाम का जो व्यक्ति है, जो पेशे से ड्राइवर है, वो मृतालत में अपने बेड पर लेटा हुआ था। देखने पर सर्जरी तौर पर देखने पर समझ आ गया कि उसकी हत्या की गई है, गले में फंदे लगे थे। आरएसएस के राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के अमृतकाल का 4 दिवसीय अभ्यास वर्ग रविवार को खत्म हो गया। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के संरक्षक इंद्रेश कुमार ने बताया कि इस दौरान 6 संकल्प लिए गए। बड़े संकल्प के तौर पर मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता 29 जून को ईद उल जुहा यानी बकरीद पर गाय की कुर्बानी नहीं बल्कि सेवा और दान करेंगे। लड़के लड़की में प्रेम होता है, किसी भी जात मजहब के प्रेम होने के बाद जब बात खुलती है तो पता लगता है कि लड़के की ओरिजिनल आइडेंटिटी दूसरी थी। तो क्या धोखे में रखकर पार्टनर से प्रेम करना, ये प्रेम है या फ्रॉड है? बढ़ते आगे, साइक्लोन बिपरजॉय और तेज हो गया। गुजरात के सौराष्ट्र तट की ओर साइक्लोन बढ़ रहा, समुद्र तटों को बंद किया गया। द्वारका में ऊंची ऊंची यहां पर लहरें तक दिखाई दे रही। 15 जून को गुजरात तट को बिपरजॉय पार करेगा।